नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम सुपर फास्ट। मैं हूं आपके साथ अक्षय। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जापान ने भारत की एनर्जी में पूर्ण सदस्यता के लिए पूर्ण समर्थन का ऐलान भी किया। देशभर के बैंकों में उमड़ी भीड़ को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। देशभर के अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेलवे, मेट्रो काउंटर पर 500 और 1000 रुपए के नोट के भुगतान का समय और 72 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि 11 नवंबर की रात को 12 बजे तक इन जगहों पर 500 और 1000 के नोट स्वीकार किए जाएंगे। इधर राजधानी लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी नोटबंदी के मोदी के फैसले का समर्थन करते नजर आए। नोटबंदी पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार का काले धन के खिलाफ ये अहम कदम है। वही सरकार ने इस कदम से अमीर और गरीब के बीच की दूरी को पाटने का काम किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 500 और 1000 के नोट बंद होने और नए नोट जारी होने पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि इस फैसले से प्रामाणिक करदाताओं को डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर, गरीब के हितों की रक्षा करेगी। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पुराने 500 और 1000 के नोट बदलने के लिए बैंक पहुंचे। संसद मार्ग स्थित एसबीआई ब्रांच में राहुल गांधी 4000 रुपए के नोट बदलने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना कोई तैयारी अचानक 500 और 1000 रुपए के नोट पर बैन लगा दिया, जिससे आम आदमी परेशान हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर मंत्री गायत्री प्रजापति ने अपनी बेशुमार दौलत को नंबर एक करने का नया रास्ता ढूंढ निकाला है। आरोप है कि यूपी रोडवेज के टिकटों की धनराशि से जुटे छोटे नोट इकट्ठा करके गायत्री के गुर्गों को दिए जा रहे हैं। यूपी रोडवेज के हर आर्यन के पास गायत्री के गुर्गे पहुंच रहे हैं और काला धन सफेद करने के लिए उनके पास दबाव बना रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हरीश रावत को सीबीआई का भी डर सता रहा है। मुख्यमंत्री हरीश रावत जहां एक ओर कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि सीबीआई ने उन्हें जेल के अंदर डाला तो कांग्रेस को प्रदेश में 55 सीटें मिलेंगी। अगर सीबीआई ने ऐसा नहीं किया तो कांग्रेस के हिस्से में 45 सीटें मिलना तय। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने भी इस चुनाव में अपनी सारी ताकत झोंक दी। बीजेपी शनिवार से सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। यात्रा को शुरू करने से पहले बीजेपी ने आज यात्रा स्थल पर भूमि पूजन किया। बीजेपी की सत्ता परिवर्तन यात्रा में तैयार किए गए रथों पर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी ने ये रथ बिना सोचे समझे तैयार किए। वहीं उन्होंने बीजेपी के रथों की तुलना रावण के रथ से कर दी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। कांग्रेस संगठन और सरकार में जहां तकरार बनी हुई है, वहीं अब कांग्रेस की नौबत प्रदेश में ये आ गई है कि कांग्रेस अपने तय कार्यक्रमों को भी नहीं कर पा रही। ऊधम सिंह नगर के नानकपत्ता से बीजेपी विधायक प्रेम सिंह राणा पर कत्ल का संगीन आरोप लगा है, साजिश करने का आरोप लगा है। बीजेपी विधायक प्रेम सिंह राणा पर यह आरोप पीड़ित परिवार की ओर से लगाया गया। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत संपत्ति है तो वो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों से अपनी संपत्ति बदलने के लिए तैयार। पांच सौ और 1000 के नोट से जहां आम जनता परेशान है, वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत भी 500 के नोट जेब में होने से खासे परेशान। खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि उन्हें जब राज्य स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का शिलान्यास किया तो उनके जेब में पुराने बंद किए हुए नोट थे, जिससे उन्हें खासी परेशानी हुई। लालको के बैंकों में आज दूसरे दिन भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। 500 और 1000 के नोट बदलने को लेकर सुबह से ही बैंकों में भारी भीड़ देखने को मिली। कालागढ़ वासियों ने कालागढ़ से बचने के लिए प्रदर्शन किया। लोगों ने यह प्रदर्शन कोटद्वार तहसील में किया। लोगों ने उपजिलाधिकारी से मांग की कि कालागढ़ को बचाया जाए या उन्हें विस्थापित किया जाए।
सचिवालय में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी के साथ शिक्षा विभाग से जुड़े आला अफसर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हरीश रावत की घोषणाओं पर सवाल करने को लेकर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी को जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी उनके द्वारा की जा रही घोषणाओं पर सवाल खड़े न करे। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 650 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। एक दिन में विकास कार्यों के इतनी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करना अपने आप में एक रिकॉर्ड। सौम्य हत्याकांड में फैसले के खिलाफ अपनी राय रखने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलाए गए पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू को अदालत जाना महंगा पड़ गया। कोर्ट ने जस्टिस मार्कंडेय काटजू को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने जजों की आलोचना करने पर काटजू को यह नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में स्टेट एंट्री टैक्स मामले में 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला लिया है कि राज्यों को एंट्री टैक्स लगाने का अधिकार है। ये टैक्स राइट टू फ्री ट्रेड का उल्लंघन नहीं, एंट्री टैक्स संवैधानिक है। कई राज्यों में ये टैक्स लगाया गया है और कई व्यापारियों ने इस टैक्स को गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। ₹500 और ₹1,000 पर रोक लगाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आवश्यक सेवाओं के लिए ₹500 और ₹1,000 के नोटों को चलने देना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने 15 नवंबर को इसे संबद्ध बेंच के सामने रखने का आदेश दिया। बिजली का बिल जमा करने की होड़, प्रदेश में 501,000 के नोटों को लेकर अफरा तफरी का माहौल है। इस दौरान लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार की तरफ से बिजली के बिल में पुराने 500 और 1,000 के नोट मान्य करने की घोषणा की, जिसके बाद जनपद में पुराने नोट चलाने के बहाने बिल जमा करने वालों की लंबी कतार लगी थी। जहां एक और लोग पुराने नोट बंद होने पर अफरा तफरी की वजह से परेशान हुए, वहीं रायबरेली की यूको बैंक ने एक नया फरमान लोगों के लिए जारी कर दिया। बैंक ने कहा कि सन 2005 के बाद के नोटों को बैंक में नहीं बदला जाएगा। बिजनौर में एक स्कूल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। स्कूल का बेहद बुरा हाल है। सरकारी शिक्षा का मंदिर जुआरियों का अड्डा बन चुका है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग में झुलसकर 16 लोगों की मौत हो गई, वह दर्जनों लोग झुलस गए। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के कोतवाली बागपत क्षेत्र में बंदपुर गांव के पास से एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। बस में बैठे 65 बच्चे घायल हो गए, जिनमें 10 की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में बाइक चोरी के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के खालापुर निवासी पीड़ित आरिफ का आरोप है कि पुलिस ने उसे चोरी के आरोप में हिरासत में लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की गई। झारखंड के बोकारो में शहीदों के अपमान का मामला सामने आया है। बोकारो में शहीदों को सम्मान देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन शहीदों को सम्मान देने वाले इस कार्यक्रम में बार बालाएं ठुमके लगाती नजर आई। चिंकारा शिकार मामले में राजस्थान सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी किया है। इन दिनों देश में हर तरफ 500 और 1,000 रुपए की खबर चल रही है। जनता एटीएम के पास घंटों कतार लगाकर खड़ी है। कईयों को तो पैसे भी नहीं मिल पा रहे, लेकिन एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को कैश के बारे में चिंता नहीं। पिछले दिनों पाकिस्तानी एक्टर्स को भारतीय फिल्मों में बैन करने की खबर के बाद से ही इस बात की चर्चा हो रही थी कि मर्दानी फिल्म के एक्टर ताहिर राज भसीन ने फिल्म डियर जिंदगी में पाकिस्तानी एक्टर अली जाफर को रिप्लेस किया है। ताहिर जल्द ही जॉन अब्राहम के साथ फोर्स 2 में भी दिखने वाले हैं। पूनम पांडे अक्सर अपने बोल बयानों और तस्वीरों को लेकर चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने ऐसा करने का खुलासा किया। उनका कहना है कि विवाद पैदा करने का कारण बॉलीवुड के खान्स और कपूर हैं। एक्टर शाहिद कपूर का कहना है कि अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस और उपलब्धियां काबिले तारीफ। फिल्मकार करण जौहर का चर्चित टीवी शो कॉफी विद करण का 5वां सीजन शुरू हो चुका है। शो के पहले एपिसोड में शाहरुख खान और आलिया भट्ट नजर आए।
14 नवंबर को आमिर खान चिल्ड्रंस डे को कुछ खास बनाने वाले हैं। आमिर उस दिन अपनी आने वाली फिल्म दंगल का पहला गाना हानिकारक रिलीज करने जा रहे हैं। सौम्य हत्याकांड में फैसले के खिलाफ अपनी राय रखने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलाए गए पूर्व जस्टिस मार्कंडे काजू को अदालत जाना महंगा पड़ गया है। कोर्ट ने जस्टिस मार्कंडे काजू को अवमानना का नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में स्टेट एंट्री टैक्स मामले में 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला लिया है कि राज्यों को एंट्री टैक्स लगाने का अधिकार है। ये टैक्स राइट टू फ्री ट्रेड का उल्लंघन नहीं। 500 और 1000 रुपए के नोट पर रोक लगाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आवश्यक सेवाओं के लिए 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलने देना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने 15 नवंबर को इसे संबद्ध बेंच के सामने रखने का आदेश दिया। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य से गुजरने वाली सड़क पर जानवरों की मौत के मामले पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पिछले निर्देशों का पालन नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की और असम के परिवहन सचिव को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके पास बेलगाम वाहन चालकों को पकड़ने के लिए तीन गाड़ियां हैं, फिर भी इतने जानवरों की मौत क्यों हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्लैक स्मिथ पद पर चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति न देने के मामले पर उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद पर 25,000 का जुर्माना लगाया। सिंधु समझौते के मामले में पाकिस्तान की शिकायत पर वर्ल्ड बैंक ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाई है, जिस पर भारत ने ऐतराज जाहिर किया है। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट और अलकायदा ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को अमेरिका के लिए काले दिन की शुरुआत बताया। अमेरिका समर्थित गठबंधन नेताओं ने सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी और इस वजह से अलग अलग हमलों में सीरियाई शहर राका के पास करीब 20 नागरिकों की मौत हो गई। उत्तरी अफगानिस्तान के मजार शरीफ शहर में स्थित जर्मन वाणिज्य दूतावास पर एक आत्मघाती कार बम हमला किया गया। इस हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि उनका देश अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आतंकवाद से लड़ने के लिए समान हितों पर काम करने का इच्छुक है।